अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमर डिज़ाइनिंग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि प्राइमर्स क्या होते हैं, पीसीआर क्या है और प्राइमर कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम ज़रा प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करें और आप उसमें से टाइप करें ncbi.nlm.nih.gov। ठीक है, और NCBI के मेन पेज पे आप चले जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि प्राइमर 3 एक एल्गोरिथम है, एक वेबसाइट है, तो गूगल में आप उसको भी सर्च कर सकते हैं प्राइमर 3। NCBI से बाहर भी आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस भी हैं प्राइमर डिज़ाइनिंग के हवाले से। स्पेशलाइज्ड प्रोप्रायटरी सॉफ्टवेयर भी हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल नहीं है, तो वो ज़रा एडवांस लेवल पे है। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे आपको इजीली एक्सेसिबल चीज़ है, NCBI के ऊपर भी आप प्राइमर्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके 2-3 तरीके आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे कहाँ पे? आप जाएंगे NCBI के होम पेज के ऊपर, और होम पेज पे जब आप जाएंगे तो आप वहाँ से फिर चेक करेंगे किस चीज़ को, प्राइमर डिज़ाइन को। तो आप प्राइमर डिज़ाइन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप A to Z में भी जा सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट हो तो A to Z में भी आप उसको ढूंढ सकते हैं। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप नीचे आ जाए, यहाँ पे फीचर्ड के अंदर यहाँ पे है प्राइमर ब्लास्ट। ठीक हो गया, और प्राइमर ब्लास्ट में आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये फीचर्ड में आपको प्राइमर ब्लास्ट नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको ब्लास्ट मिलता है, इसी पे आप क्लिक करें। और अगर यहाँ पे भी नहीं मिलता तो आपको ऑल रिसोर्सेज में भी मिल सकता है। तो जहाँ से भी आपको इजी लगे इस तरीके से आप उस जगह पे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लास्ट का आपको बता देता हूँ, और अगर यहाँ पे ब्लास्ट भी नज़र ना रहा हो तो आप यहाँ एनालाइज से भी जा सकते हैं। तो बारी बारी एक एक को देख लेते हैं। रिजल्ट सबका सेम ही आएगा, लेकिन ये डिफरेंट तरीक़ों से आप उस पेज तक पहुँच सकते हैं। तो एनालाइज पर मैंने क्लिक किया हुआ है, तो ये हमारे पास एनालाइज जब हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास काफ़ी सारे एनालिसिस टूल्स आ गए हैं। तो इसमें आप अगर नीचे आके देख ले तो प्राइमर ब्लास्ट, इसी पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आगे कुछ डिस्क्रिप्शन है, यूजेस प्राइमर 3 टू डिज़ाइन PCR प्राइमर्स टू अ सीक्वेंस टेम्पलेट। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्लिक कर सकते हैं, सेम पेज पर हम जाएंगे इसी पेज को। अगर दूसरा ये मेन पेज से मैंने आपसे कहा था कि आप यहाँ पे अगर देख ले प्राइमर ब्लास्ट, इसी पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे उसी सेम पेज पे हम आ गए हैं। ठीक है, इसको मैं फिलहाल, और अगर थर्ड हमारे पास है, मैंने बता दिया था कि इसी ब्लास्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ब्लास्ट का मेन पेज ओपन होगा, और ऑब्वियसली उसके अंदर भी आप प्राइमर ब्लास्ट कर सकेंगे। ब्लास्ट क्या है ये हम आगे पढ़ लेंगे, फिलहाल यहाँ पे नीचे आके आप देख रहे हैं प्राइमर ब्लास्ट एक ऑप्शन है, उसी पे आप क्लिक करें और आपके पास वही सेम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट तरीक़ों से आप इस पेज तक पहुँच सकते हैं। अब जब ये पेज आपके पास ओपन हो गया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजिंग प्राइमर 3 एल्गोरिथम वही सेम यूज़ हो रहा है डिफरेंट वेबसाइट्स पे। इसका जो मेन पेज है उसको अगर आप देख ले तो सबसे ऊपर आपके पास एक सर्च बॉक्स है, और सर्च बॉक्स में आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। सर्च बॉक्स किस लिए है कि आपने इसी के अंदर वो सीक्वेंस ऑफ DNA आपने यहाँ पे डालना है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिसके लिए आप प्राइमर्स डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। इन अदर वर्ड्स, प्राइमर्स हम किस लिए डिज़ाइन करते हैं, ताकि PCR की मदद से हम जिस सीक्वेंस को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका स्टार्टिंग और स्टॉप पॉइंट हमें पता चल जाए, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, और उसका साइज़ भी हम यहाँ से डिटरमिन कर सकते हैं प्राइमर्स की
मदद से। तो प्राइमर्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे हम अपने टारगेट सीक्वेंस को यहाँ पे रख लेंगे। अगर हमारे पास वो सीक्वेंस अपने कंप्यूटर पे है, फास्टा फॉर्मेट में, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि फास्टा फॉर्मेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको अगर आप याद कीजिएगा, अगर वो फाइल आपके पास है तो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव से, नंबर 1, या यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं सर्च बॉक्स में। अगर ये आप सीक्वेंस पेस्ट नहीं करना चाहते तो उसका जीन आइडेंटिफायर नंबर हमने पढ़ा था वो आप यहाँ पे लिख लें, या एक सेशन नंबर लिख लें, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तीनों तरीकों से मैं उसको कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं फास्टा सीक्वेंस को कहीं से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ह्यूमन जीन फॉर α1 ग्लोबिन, जो हमने पढ़ा था ग्लोबिन फैमिली में, उसमें α1 के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल वो सीक्वेंस देखना चाहता हूँ। आप अपनी मर्जी से कोई भी टर्म यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ह्यूमंस करें या बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट्स, एनिमल्स, जो मर्जी आप उसको ढूंढ सकते हैं। फिलहाल मैं उसको ज़रा सिंपल रखता हूँ, तो मैं जस्ट ह्यूमन से शुरू करता हूँ। तो फास्टा सीक्वेंस हासिल करने का तरीका हमने लास्ट टाइम देखा था कि वो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस के अंदर आपको मिलेगा, और यहाँ पे अगर हम देख ले तो न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस ये है, इस पे मैंने क्लिक किया और अब मेरे पास जेन बैंक का वो पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंसेस आ गए, वही सेम पेजेस हैं, ठीक है। इसमें आप तो जो यहाँ पे है ये 900 बेस पेयर, तो मैं क्या करता हूँ डिफरेंट तरीकों से मैं करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसके GI कॉपी करता हूँ, GI जो कि यहाँ पे लिखा है कि GI की मदद से भी आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी मैं उसको रोक रहा हूँ, फिलहाल इसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ एक सेशन नंबर को, और ये सेम तरह मैं उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। और थर्ड हमारे पास है कि इसका फास्टा सीक्वेंस, तो फास्टा सीक्वेंस हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, अगर कंप्यूटर में डाउनलोडेड है तो उसको भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने उसको कॉपी किया, यहाँ पे मैं ये सीक्वेंस भी पेस्ट कर सकता हूँ। तीनों सेम तरीके हैं, आप GI यूज करें, आप एक्सेशन नंबर यूज करें, या आप फास्टा सीक्वेंस को पेस्ट करें, तीनों से रिजल्ट आपके पास सेम आएगा, ठीक हो गया। नाउ अगर इसके बिल्कुल सामने आप देख ले तो आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर के। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आप अपने सीक्वेंस के अंदर मेंशन कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ पे आप देख ले तो ये हमारा जो सीक्वेंस था ये कितना लॉन्ग है, 900 900 बेस पेयर का है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इन 900 के 900 बेस पेयर आपको नहीं चाहिए, बल्कि आपका जो प्राइमर है, आपका जो टारगेट है, तो वो फॉर एग्जांपल शुरू होना चाहिए 150 से आगे, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड प्राइमर्स को शुरू करेंगे 150 से, जीरो से बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जीरो से ना हो तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 150। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो प्राइमर है ये 900 तक भी न जाए, बल्कि ये 150 से शुरू होके 500 तक मैक्सिमम, मतलब उसी के बीच में मुझे कोई जगह एम्प्लीफाई करनी है, तो मैं एंड पे लिखूंगा रिवर्स प्राइमर का जो एंड है वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500, ठीक है। तो आपके पास 150 और 500 के बीच में जो रीजन है उसको कॉपी करने, उसको एम्प्लीफाई करने के लिए प्राइमर्स मिल जाएंगे। फिलहाल मैं उसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, ये ज़रा एडवांस लेवल पे हम कर लेंगे। नीचे अब आ जाए प्राइमर पैरामीटर्स, तो अगर आपके अपने प्राइमर्स हैं तो उनका सीक्वेंस आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड प्राइमर और यहाँ पे रिवर्स प्राइमर, चूँकि अभी हमारे पास नहीं है, हम तो न्यू बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको खाली रहने देते हैं। थर्ड नीचे आप आ जाए तो यहाँ पे लिखा है PCR प्रोडक्ट साइज, कि जो आपके पास साइज आना चाहिए
तो वो कितना होगा मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 70 आपको मिनिमम चाहिए और मैक्सिमम आपको 1000 चाहिए। 1000 तो है नहीं, 900 तक ही होगा इसमें, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको अगर किसी और जीन में 1000 तक चाहिए तो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मुझे 400 बेस पेयर का पीसीआर प्रोडक्ट चाहिए, तो 1000 की जगह आप यहाँ पे लिख लेंगे 400 या 300, जो आपको मर्जी है तो आप यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसको रहने देता हूँ। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर ऑफ प्राइमर्स टू रिटर्न, कि आपको कितने ऑप्शंस चाहिए प्राइमर्स के जिसमें से आपको एक चूज करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट 10 होगा, 10 के 10 आप इवेल्युएट करेंगे और उसमें आपको एक चूज करेंगे। आपको 10 चाहिए, आपको 20 चाहिए, आपको 5 चाहिए, 1 चाहिए, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं उसको रहने देता हूँ। नीचे आप आ जाए तो यहाँ पे एक लिखा हुआ एक चीज़ है, प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर्स और टीएम जो हमने डिस्कस किया था। तो मिनिमम 57 है, मैक्सिमम 63 है और ऑप्टिमम 60 है, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये जो आपके प्राइमर्स हैं जो आपको रिटर्न करेगा ये सॉफ्टवेयर, तो उसका टीएम कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे टीएम होगा 57 से 63 तक, तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। 57 से अगर आपको बिलो चाहिए तो वो भी आप इसको कम कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो मैक्सिमम को आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी यही वैल्यूज़ है तो मैं फ़िलहाल इसको भी चेंज नहीं कर रहा। नीचे अब आ जाए तो ये एग्जॉइन एंट्रन एक प्रोसेस है कि अगर आप ऐसा रीजन एम्प्लीफाई करना चाहते हैं जिसमें एग्जॉन्स होते हैं, एंट्रन्स और एग्जॉन्स, और आप mRNA के लिए प्राइमर डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो ये उसी हवाले से है। फिलहाल ये एडवांस लेवल पे है तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। नीचे आप आ जाए तो ये ज़रा सा एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्पेसिफिसिटी, कि ये प्राइमर आपके स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए है। तो आपको मैंने बताया था रिफसेक एक डेटाबेस है, ठीक है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। तो बाय डिफॉल्ट इसको मैं रहने देता हूँ। फिलहाल नीचे अगर आप देख ले तो ये होमो सेपियंस सेलेक्ट हुआ है, उनके ऊपर जो मैंने सीक्वेंस टाइप किया है वो होमो सेपियंस का है, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप कोई किसी और स्पीशीज में अगर आपके प्राइमर ढूंढने हैं तो आप होमो सेपियंस की जगह कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसको मैं रहने देता हूँ, चूंकि हमारा जो जीन है वो होमो सेपियंस के अंदर है। नीचे अब आ जाए तो हमारे पास कुछ और कंडीशंस हैं, फिलहाल इसको भी मैं नहीं चल रहा। और अगर नीचे अब आ जाए तो आपके पास कुछ एडवांस्ड पैरामीटर्स हैं, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास वो एडवांस्ड ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। फिलहाल इसको हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम जस्ट बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हैं, तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। और नीचे जब आप देखते हैं तो आपके पास क्या रहा है, गेट प्राइमर्स। तो इसी पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी एक न्यू विंडो या इसी विंडो में आपके रिजल्ट्स अपलोड होना शुरू हो जाएंगे NCBI के सर्वर्स के ऊपर। और डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट कनेक्शन और कितने लोग इस वक्त इसको यूज़ कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद आपके पास प्राइमर्स रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबमिटेड, तो आपकी जो क्वेरी है तो वो सबमिट हो गई है इस टाइम के ऊपर, और ये 3:41, तो ये हमारी टाइमिंग नहीं है बल्कि ये NCBI की लोकल टाइमिंग है, ठीक है। और अब ये 35 सेकंड्स हो गए हैं कि हमने अपना क्वेश्चन सबमिट किया है। तो ये डिपेंडिंग के स्पीड कितनी है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये सम टाइम जल्दी रिजल्ट्स आते जाते हैं, सम टाइम जिसमें कुछ टाइम लग जाता है। फिलहाल इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं कि GI की मदद से अगर आप, तो वही सेम प्रोसेस है, जस्ट सीक्वेंस की बजाय हमने उसका जीन आइडेंटिफायर नंबर लिख लिया। सेम ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आप सेम क्लिक करेंगे तो वही सेम रिजल्ट्स आपके पास आएंगे। और थर्ड हमारे पास अगेन एक्सेशन नंबर है,
एक सेशन नंबर वही सेम ऑप्शंस, और यहाँ पे गेट प्राइमर्स क्लिक करेंगे, सेम रिजल्ट आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं रिजल्ट्स हमारे पास शायद आ गए हैं, उसको हम देखते हैं। ये हमारे पास वो रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक हो गया। और ये रिजल्ट्स अगर आप देख ले तो ऊपर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि इनपुट जो टेम्पलेट हमने दिया था वो किस चीज़ का था, ह्यूमन जीन फॉर एल्फा वन ग्लोबिन। रेंज हमने क्या दिया था, जो कि हमने सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो बाय डिफॉल्ट 1 से लेके 900 जो उसकी फुल लेंथ है उसी के अंदर हमें प्राइमर्स ढूंढ के दे रहा है। नीचे अब आ जाए स्पेसिफिसिटी, तो वो हमने लिया हुआ है होमो सेपियंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें आ गई। नीचे अगर आप देख ले तो आपके पास ग्राफिकल व्यू आ गया है कि आपके फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर ग्राफिकल फॉर्म में कैसे नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा वो पूरा सीक्वेंस है, ये 1 से शुरू होके यहाँ पे ये आपको नीचे देख रहा है, ये 1 है, और आखिर हमारा सीक्वेंस कितना तक था, 900, तो ये 900 है। तो इसी में आप ये प्राइमर पेयर देख सकते हैं कि जो पहला प्राइमर पेयर है तो वो ये है। ठीक है, उसके बाद ये उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ जाती है। अगर आप माउस उसके ऊपर रखते हैं तो आप देख रहे हैं कि अब फॉरवर्ड प्राइमर कहाँ से शुरू हो रहा है, 561 से शुरू हो के 579 तक हमारे इसकी लेंथ कितनी है, 19 है। टीएम क्या है वो भी दिया हुआ है, जीसी परसेंटेज दिया है, और सीक्वेंस भी यहाँ पे दिया है। रिवर्स प्राइमर का भी इसी तरह आपको दिया हुआ है, और इन प्राइमर्स को जब आप यूज़ करते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका साइज़ क्या आएगा, वो 900 तो नहीं होगा, उसका साइज हमारे पास आएगा 328। और अगर यहाँ पे आप देख ले तो यू शुरू हो रहा है 561 से शुरू हो रहा है, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 888। तो ये है हमारे पास प्राइमर 1। इसी तरह बाकी ये ऊपर जब माउस रखते हैं तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है ग्राफिकल फॉर्म में भी, और डिटेल्स भी। और नीचे अगर आप आ जाए तो ये कुछ रिपोर्ट है, सेम रिपोर्ट है। यहाँ पे आप देख लें, फॉरवर्ड प्राइमर है, ये उसका सीक्वेंस है 5 to 3 prime, साइज वो दे रहा है 328, और फॉरवर्ड प्राइमर हमारे पास अटैच होगा प्लस स्ट्रेन से, और नेगेटिव स्ट्रेन या माइनस स्ट्रेन से अटैच होगा वो होगा रिवर्स प्राइमर। इसकी लेंथ है 19 न्यूक्लियोटाइड और इसकी है 20 न्यूक्लियोटाइड। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, एंड पॉइंट यहाँ से है, तो इसको अगर आप काउंट कर ले तो ये 19 न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे, और ये हमारे पास 20 न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएंगे। चूंकि ये रिवर्स है तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, आप देख रहे हैं कि हाइयर से शुरू हो रहा है और लोअर पे एंड हो रहा है। यहाँ पे आप देख ले तो आपके पास टीएम दोनों प्राइमर्स का दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जीसी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है 63% और 55%। और ये दो चीज़ें जो हमने पढ़ी थी, सेल्फ कम्प्लीमेंटेरिटी, तो उसकी वैल्यू भी आपके पास यहाँ पे आ रही है। सेल्फ कम्प्लीमेंटेरिटी क्या है कि वो 3D जो स्ट्रक्चर है आपस में वो किस तरह बनाते हैं, और एक दूसरे के साथ वो कैसे बाइंड हो सकते हैं, दोनों प्राइमर्स और एक प्राइमर खुद के साथ भी। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, ये है प्राइमर नंबर 1। अगर आपका जो इंटरेस्टेड रीजन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, अगर वो 561 और 888 के बीच में है तो आप इस प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो रीजन है वो 561 से पहले शुरू हो रहा है तो देन इस प्राइमर को तो आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर आपको ऐसा प्राइमर ढूंढेंगे जो कि 561 से पहले कहीं शुरू हो रहा हो, तो ये सेकंड प्राइमर आप देख लीजिए 325 से शुरू हो रहा है, ठीक हो गया। थर्ड प्राइमर 482 से शुरू हो रहा है और इसका प्रोडक्ट साइज है 99। ये अब देख ले 322 से शुरू हो रहा है, प्रोडक्ट साइज ये है। यहाँ पे आप देख ले तो ये 59 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको स्टार्ट वाले न्यूक्लियोटाइड चाहिए तो आप ये प्राइमर यूज़ कर सकते हैं या ये प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं, ये 50 से शुरू हो रहा है। तो डिपेंडिंग कि आप किस एरिया को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, उन 900 में से
स्पेसिफिकली, जो उनके पूरा 900 का 900 तो हम नहीं कर रहे हैं, तो हम उसमें से कुछ खास रीजन को एम्प्लीफाई करना चाह रहे हैं, तो आप इसी में से कोई एक प्राइमर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया NCBI से प्राइमर को डिज़ाइन करना, ठीक हो गया। मैंने आपको 3 डिफरेंट तरीकों से बताया, पहले तो आप इस प्राइमर डिज़ाइनिंग के पेज पे कैसे पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने 3 तरीके बताए कि एनालाइज के ऑप्शन से पहुंच सकते हैं, ब्लास्ट के ऑप्शन से भी पहुंच सकते हैं, और प्राइमर ब्लास्ट के ऑप्शन से भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। फिर उसके लिए आगे मैंने आपको 3 तरीके बताए, बल्कि 4, कि आप जीन आइडेंटिफायर नंबर यूज़ कर सकते हैं, आप एक्सेशन नंबर यूज़ कर सकते हैं, या फास्टा सीक्वेंस को पेस्ट कर सकते हैं, और 4th के अगर फास्टा सीक्वेंस आपके कंप्यूटर में है तो उसी फाइल को आप अपलोड भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा इससे बड़ा सिंपल तरीका है कि जैसे इसी सेम जीन के लिए अगर मुझे प्राइमर चाहिए तो मैं जस्ट इस पर सिंपल क्लिक कर देता हूँ और आगे मेरे पास उसकी डिटेल्स आ जाएगी। ये डिटेल पेज हमारे पास यहाँ से ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करना, राइट साइड पे आप देख ले तो एनालाइज के कुछ ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ पिक प्राइमर्स, बड़ा सिंपल है। उसी पेज पे आप पहुँच गए हैं, देख रहे हैं आप लोग उसी सेम पेज पे। लेकिन अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सेशन नंबर पहले से दिया हुआ है उसी सीक्वेंस का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप वहाँ से डायरेक्ट पिक प्राइमर्स भी कर सकते हैं, बाकी ऑप्शंस एज इट इज़ हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज करें, नहीं करना चाहें तो आप ना करें। और नीचे जब आप आ जाए तो यहाँ पे आप क्या लिखा है 9606, तो ये जो 9606 है तो NCBI के अंदर ये होमोसेपियंस को डिनोट करता है, ये होमोसेपियंस के स्पीशीज का नंबर है, ठीक हो गया, ऑर्गेनिज्म को ये डिनोट करता है। तो पहले हमने लिखा था होमोसेपियंस, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है 9606। तो ये नीचे आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक्चुअली वो टैक्सोनॉमिक आईडी है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 04 को अगर आप कर ले तो ये कुछ और स्पीशीज आ जाएगी, ठीक है। इसको हम मैन भी कहते हैं, ह्यूमन भी कहते हैं, होमोसेपियंस भी कहते हैं, आप उसको वोमेन भी कर सकते हैं, मैन भी कर सकते हैं, तो जो भी आप टर्म लिखेंगे अंग्रेजी में जो कि ह्यूमन को डिनोट कर रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 9606 आपको दे देगा, ठीक हो गया। यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे गेट प्राइमर्स और आपके पास प्राइमर्स उसी तरह से आ जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास प्राइमर डिजाइनिंग का। आप जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि मुझे 300 से शुरू हो और 600 तक हो, ठीक है, मुझे इस बीच में कुछ प्राइमर्स चाहिए जो इस एरिया को एम्प्लीफाई कर सके। तो लेट्स ट्राई कि हमारे पास ऐसे कुछ प्राइमर्स हैं। ये हमारा सबमिट हो गया है, हमारी क्वेरी सबमिट हो गई है NCBI के ऊपर, और लेट्स सी कि हमारे पास कितनी देर तक ये रिजल्ट्स आते हैं। ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं और आप देख सकते हैं अब कि हमारे पास जो हमने उसको क्राइटेरिया दिया हुआ था कि हमें 1 से 900 तक नहीं चाहिए, बल्कि हमें 300 और 600 के बीच में कुछ एरिया को एम्प्लीफाई करना है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया है, ये देख रहे हैं आप जो रेड लाइंस लिखी हुई है 300 से शुरू होके और 600, ये हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, ठीक है। बाकी अगर आप देख ले तो ये बाकी भी प्राइमर्स अवेलेबल है, लेकिन ये जो क्या वो हम यूज़ नहीं कर रहे, हमने रेड लाइंस लगाई है ये स्टार्ट और ये एंड, तो इसमें हमारे पास 2 प्राइमर्स अवेलेबल हैं, एक प्राइमर ये है और दूसरा प्राइमर ये है। तो प्राइमर 1 कहाँ से शुरू हो रहा है, 482 से शुरू होके 570 तक है, और प्राइमर 2 को अगर हम देख ले तो वो शुरू हो रहा है 321 और एंड हो रहा है 542। तो 300 से कम कोई नहीं है और 600 से ज़्यादा भी कोई नहीं है इसी बीच में। तो इसी तरह आप अपनी मर्जी से अपने रीजन को एम्प्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये प्राइमर पेयर मैं यूज़ करूँ
तो जो मेरे पास पीसीआर प्रोडक्ट आएगा, जो जीन एम्प्लीफाई होगा डीएनए सीक्वेंस, तो उसका साइज होगा 89 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर्स। और अगर ये प्राइमर्स मैं यूज करूँ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट साइज आएगा वो ये होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें थी पीसीआर प्राइमर डिजाइनिंग के हवाले से। ये बिल्कुल इनिशियल है, बिल्कुल बेसिक्स है। बाकी जब आप स्पेशलाइज्ड प्राइमर डिज़ाइन करेंगे, प्रूफ्स डिज़ाइन करते हैं, रियल टाइम मल्टीप्लेक्स, तो उसमें मुख्तलिफ फीचर्स को, मुख्तलिफ फैक्टर्स को आपने चेंज करना होता है, ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है। और दूसरी ये बात है कि ये थियोरेटिकल है, ठीक हो गया। अगर आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये प्राइमर्स यूज़ करें तो वो एक्चुअली वर्क भी करेंगे, ये जस्ट थ्योरेटिकल है। मे बी ये प्रोडक्ट आपको बिल्कुल ना मिले, आपके कंडीशंस ऑप्टिमाइज ना हो, लेकिन अगर हो गए तो जो प्रोडक्ट साइज है तो ये है, ये प्राइमर यूज करेंगे तो ये साइज है। अगर आपके पास अपने प्राइमर्स हो तो यहाँ पे आप फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर को आप चेक कर सकते हैं कि आपके जो प्राइमर्स हैं तो उसी सीक्वेंस के लिए है या नहीं है। तो ये एक तरीका है। एनसीबीआई के अलावा हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एससी जीनोम ब्राउजर, ठीक है। अगर इसको आप गूगल में टाइप करें तो आप उस जीनोम ब्राउजर तक पहुंच सकते हैं। और वहां पे हमने टूल्स में से इन सिलिको पीसीआर को ढूंढना है। इन सिलिको का मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड हो। एक होता है हमारे पास इन वीवो, जो बॉडी के अंदर हो, एक से एक्स वीवो जो बॉडी के बाहर है। और इन सिलिको का मतलब होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर के जो कंप्यूटर के ऊपर हम कोई काम कर रहे हैं उसको हम ड्राई लैब भी कहते हैं। और ये हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड एक रिजल्ट आ जाएगा, जो एक्चुअल नहीं होगा लेकिन जो प्रेडिक्ट कर रहा होगा। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये कुछ चीज़ें आ गई, उसको आप पढ़ सकते हैं कि जो ऊपर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है तो इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ जीनोम में ह्यूमन बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जो प्राइमरी डिज़ाइन किया है उसको मैं ह्यूमंस में चेक करना चाहता हूँ। तो पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस फॉरवर्ड प्राइमर को कॉपी कर रहा हूँ फॉरवर्ड सीक्वेंस के अंदर, और रिवर्स प्राइमर को मैं कॉपी कर रहा हूँ इस रिवर्स के अंदर, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ सबमिट, एंड लेट्स सी ये हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स आ गए हैं, ठीक हो गया। और रिजल्ट्स क्या हैं, रिजल्ट्स हमारे पास है 89 बेस पेयर का एक हमारे पास सीक्वेंस है, ये आप देख रहे हैं 89 बेस पेयर। और यहाँ पे भी 89 बेस पेयर के लिए ही हमने डिज़ाइन किया था। दूसरा अगर आप देख ले तो ये हमें बता रहा है कि ये क्रोमोसोम नंबर 16 के इन रीजन के लिए डिज़ाइन किया गया है। और एल्फा आपको पता है कि वो क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर ही है, और यहाँ पे उसका वो रीजन भी दिया हुआ है जिसके लिए ये डिज़ाइन किया गया था। तो इसी तरीके से आप अपने प्राइमर्स को, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्राइमर्स हैं और आप उसकी स्पेसिफिसिटी चेक करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। और जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैप है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये HbA1, मैंने आपको बताया था ये किस चीज़ का सिंबल है, ये है HbA हीमोग्लोबिन एल्फा 1 के लिए, और क्रोमोसोम नंबर 16 के ऊपर आए। तो यहाँ से भी ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो हमारे प्राइमर्स थे तो एक्चुअली किस चीज़ के लिए हैं, हीमोग्लोबिन एल्फा 1 के उस रीजन के लिए हमारे प्राइमर बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ से आप अपने प्राइमर्स को कंपेयर या कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आज हमने कुछ प्राइमर डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ ली। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।